हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है न्यू ब्लॉग, और आज के ब्लॉग में मैं अभी अभी जो करके आई हूँ ना, असल में ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया रात में, रात के भी बज रहे हैं 7:30। मैं अभी अभी ग्रोसरीज करके आई हूँ, कुछ सामान लेके आई हूँ, जो जो ज़रूरत की चीज़ें थी खाने के लिए। सलाद का सामान आया, प्लस रस वगैरह आए हैं, प्लस पत्ती वगैरह खत्म हो गई थी, और बहुत सारी चीज़ें आने वाली थी। चले मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ, और आगे ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये मैंने रस लिए क्योंकि हम लोग चाय के साथ ज़रूर खाते हैं, हमें बहुत पसंद है। उसके अलावा पत्ती वगैरह आई है, सर्फ वगैरह। ये रहे सर्फ के पैकेट, मसाले के पैकेट। ये मैं दलिया लेकर आई थी क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है। पत्ती है, चावल है, इलायची वगैरह है। ये सारा ग्रोसरी मैंने जो सामान ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। ये हैं दही भल्ले, और इसके अंदर एक साइड पे है फूड चाट। ये मैं रात के खाने के लिए लेके आई हूँ, रोटी के साथ इंजॉय करेंगे हम लोग ये। और जी ये है जी हड्डियाँ और गोश्त। ये हैं टमाटर, केले, और ये है चिकन जी। ये है चिकन, सलाद का सामान, और ये हैं शक्करकंदी। ये रहे शक्करकंदी, और ये रहे क्या कहते हैं यार इसको, ये मुझे नहीं नाम नहीं याद आ रहा इसका, बट ये भी लेके आई हूँ मैं। ये मैं सलाद का सामान लाई हूँ सारा, इसमें धनिया, हरी मिर्चें, खीरे, और ये गाजर वगैरह सब कुछ इसके अंदर है। इसमें है मूली, और इसके अंदर सब्जियां हैं, और सब्जियों में मैं चटनी लेके आई हूँ, नींबू लेके आई हूँ, सारी चीज़ें लेके आई हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। गाइस मैंने ना सारी सब्जियां निकाल के रख ली हैं। जैसे ये देखो, एक साइड पे टोकरी में ये सामान हो गया, और यहाँ पर ये दो सब्जियां हो गई, साथ ये दो जो है वो हो गए जो मेरी सलाद में डलेंगे, वो सामान हो गया, ऊपर रख दिया मैंने। और इस तरह से मैंने ये रख दिया, सलाद के पत्ते रख दिए, और साथ ये धनिया है सारा। और इस तरह मैंने सारी चीज़ें ना सेट कर दी हैं। मैं इसको फ्रिज में लगाती हूँ, आपको फिर दिखाती हूँ। ये मैंने छोटे गोश्त के अपने पकड़े रख दिए थोड़ी सी, उसके अलावा ये मैंने गोश्त के पैकेट बना के रख दिए हैं, 3 पैकेट बनाए हैं। और यहाँ पर मैंने चिकन भी वॉश कर लिया है सारा, और इसमें रख दिया ताकि चिकन का सारा पानी निकल जाए। और कल के लिए मैं जो सब्ज़ी बनाऊँगी वो होगा ये गोंद। बाकी सब्जी वगैरह मैंने सारी इस तरह करके रख दी है। अभी ये जो है ये बॉईल भी होने हैं, तो इसको मैंने बाहर रख लिया, और इसकी मैंने चटनी बनानी है, और खाना बनाने लगे तो टमाटर बाहर निकाल के रख लिया। तो ये मैंने चिकन और गोश्त दोनों के पैकेट्स बना के रखे हैं, जब जब यूज़ करना होगा इसमें से निकाल के यूज़ करती रहूँगी। इसको फ्रिज में रख देंगे। मैंने हर चीज़ साथ साथ की है, तो अब मैं चटनी बनाने का सामान रेडी करती हूँ। क्योंकि इधर आके इसलिए वॉइस कर रही हूँ क्योंकि अंदर है ना कुकर की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है, तो आवाज़ सही नहीं आएगी मेरी। तो अब मैं इस वाले बड़े बाउल के अंदर मैंने सारी सब्जियां, सब्जी वगैरह, सलाद वगैरह सब कुछ काट के रख लिया हुआ है ऑलमोस्ट। तो अब मैं सारी जो है ना कैबेज वगैरह हर चीज़ इसके अंदर ऐड कर दूंगी। मैंने पूरे बाउल में काट लिया था पहले, और हमेशा सलाद काटने से पहले उसको वॉश लाजमी कर लें। तो मैंने सारी चीज़ें पहले वॉश की थी, उसके बाद मैंने कटिंग की थी। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हो गई। अब इसमें ब्लैक पेपर डलेगा, सॉल्ट डलेगा, और उसके अलावा लेमन डलेगा, स्क्वीज़ करूँगी, और थोड़ी सी प्याज डलेगी, बस डेट्स इट। ये रही प्याज जो कि हमने अभी धो कर रखी थी, क्योंकि आज हमारे पानी नहीं आ रहा, इस वजह से फ़िल्टर की बोतल से इसको धोया हमने। ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। यहाँ पर मैं आलू गोश्त भून रही हूँ। तो गाइस अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें, और आलू गोश्त मैंने काफ़ी हद तक भून दिया हुआ है, बस प्रॉपरली थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, बाकी जो है मैंने अच्छी तरह भूना है इसको। और अगर आलू गोश्त भुना ना हो तो टेस्ट ही नहीं आता। तो अब मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें, बस ये है तैयार बिल्कुल। तो गाइस यहाँ पर मुझे गर्म गर्म उसका बर्तन का करंट लगा था। जब भी मैं खाना बनाती हूँ, कुछ भी कुक करती हूँ, तो लाजमी गरम गरम बर्तन मुझे लगता है, और करंट ज़रूर लगता है, उसके अनुसार ऐसा होना ज़रूरी है। तो ये रहा जी खाना, आलू गोश्त इस साइड पर, और इस साइड पर है जी सलाद, कचूमर सलाद। ओह गॉड, रोटी बन रही है, अभी आ रही है।
साथ साथ हम वॉच कर रहे हैं जुलकरनैन के व्लॉग्स, जो कि अभी न्यू व्लॉग उनका लाइव हुआ है 46 मिनट्स पहले।